हेलो स्टूडेंट, आ गए हम लोग लेके इसका पार्ट नंबर सेकंड, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और इसमें इस बार हम पढ़ने वाले हैं केस स्टडी क्वेश्चंस और इसके कुछ एमसीक्यू। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि केस स्टडी से रिलेटेड है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देखेंगे लिखा है राम वांट टू कट अ सेमी सर्कल फ्रॉम अ पीस ऑफ पेपर एज शोन इन द इमेज अबव। द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर एबीसीडी हैज अ डायमेंशन। एबी यहाँ पर आपको दे रखा है, एबी की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है, कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर। और वहीं पर जो एडी की वैल्यू है वो 28 दे रखी है। चलिए, ये दोनों वैल्यूज हमें गिवन है। कहा जा रहा है एंड द सेमी सर्कुलर पोर्शन हैज बीसी एज डायमीटर, यूज दिस इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चन। आपको इन इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनके हमें आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ टोटल सीट ऑफ द पेपर। तो पहला क्वेश्चन तो भाई बहुत आराम का हो गया, टोटल सीट का एरिया यहां पर पूछा गया है। तो टोटल सीट कितने की है, 28/40 की, और ये एक रेक्टेंगुलर सीट है। तो राजा भैया आप बताओ इसका एरिया। तो बहुत इजी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, और 40 × 28 मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट। 3 कैरी करेगा 8 और 3, 8 और 3 कितना हो गया हमारे पास 11, तो 11 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले वाले पार्ट का तो आंसर आ गया। दूसरा पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पीस ऑफ पेपर। अब यहां पर क्या हो रहा है कि इस पार्ट को कट कर दिया गया, सेमी सर्कुलर पार्ट को कट कर दिया गया। तो कट करने का मतलब क्या है, इस पूरे एरिया में से सेमी सर्कल का एरिया अगर हम माइनस कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो चलिए ये काम कर लेते हैं फटाफट। तो अब यहां पर चूंकि ये एक सेमी सर्कल बन रहा है, टोटल ये कितना है 28, और बीसी को डायमीटर लिया गया है राजा भैया, तो ये भी कितना होगा 28। और भैया ये बताइए, ये मैंने लिखा 14 सेंटीमीटर जो कि रेडियस है। क्यों है, क्योंकि रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो रेडियस हमें मिल चुकी है 14 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड करना है ये एरिया जिसे कि हमें इसमें से माइनस करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना बनेगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बोले तो 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना है आपके पास, आर है 14 का स्क्वायर, लेकिन ये जो एरिया लिखा है हमने ये तो सर्कल का है सर, और आप तो यहां सेमी सर्कल लिख रहे हैं। बिल्कुल भाई, अब हम क्या करेंगे, इसी एरिया का क्या कर दो आप, आधा कर दो। तो आधा कर दिया भाई साहब, 2 से ये 22 कैंसिल, कितना बचा 11। फाइनली 11/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 से इसे भी कट कर दो क्या आ जाएगा 2। तो 11 इंटू 2 इंटू 14, 11 इंटू 2 इंटू 14, फाइनली देखा जाए तो ये हो जाएगा 22 इंटू 14, 14 × 28 और 2 कितना हो जाएगा 30। ये बना 308 सेंटीमीटर, और हमें चाहिए रिमेनिंग पोर्शन का एरिया। तो पूरे जो हमारा पूरा जो सीट का एरिया था उसमें से सर्कल के एरिया को कर दो बाय। तो चलिए 1120 में से हम माइनस कर देंगे 308 को, तो हमें मिलेगा रिमेनिंग पार्ट। यहां आ गया हमारे पास रिमेनिंग पार्ट। तो 1120 में से 308 माइनस कर लीजिए, 10 में से 8 2, यहां बचा 1, तो 1 ही आ जाएगा भाई। 11 में से सीधे 3 को माइनस कर लो, 8 आ जाएगा। तो 812 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका आ गया, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पीस ऑफ पेपर। लास्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल कैन बी कट। इसमें से
बड़ा से बड़ा डायमीटर का, कितना बड़े डायमीटर का सेमी सर्कल कट किया जा सकता है। तो यार अगर हम इसमें बनाएंगे तो 28 का बनेगा, लेकिन अगर इसमें बनाए तो 40 सेंटीमीटर का बन सकता है ना। तो ज्यादा से ज्यादा बड़ा डायमीटर का अगर कहा जाए वो कहाँ बनाया जा सकता है सेमी सर्कल, इस वाले पार्ट में ए बी को एज अ डायमीटर लेके या सी डी को एज अ डायमीटर लेके। तो बड़ा से बड़ा डायमीटर कौन सा हो सकता है, सीधी सी बात है बड़ा से बड़ा डायमीटर हो सकता है 40 सेंटीमीटर। हाँ, और एक आराम भी है, ये डायमीटर है तो ये रेडियस कितनी होगी 20, ये डिस्टेंस 28 है, मतलब 20 से तो ज्यादा है, कट किया जा सकता है। अगर ये डिस्टेंस मान लो 10 होती तो ये दिक्कत आ सकती थी कि भाई ऐसा हम नहीं कट कर सकते, बट अभी तो अपन बड़े आराम से इतना इस 20 सेंटीमीटर रेडियस का या 40 सेंटीमीटर डायमीटर का हम यहाँ पर एक सेमी सर्कल कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेडियस। अरे अगर डायमीटर 40 है तो मैक्सिमम रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, 20 की हो जाएगी। तो मैक्सिमम रेडियस कितने की बनेगी, 20 सेंटीमीटर की मैक्सिमम रेडियस यहां पर बन जाएगी। इस तरीके से ये आपकी पहली केस स्टडी हुई खत्म। चलिए सेकंड केस स्टडी पे चलते हैं। यहाँ पर भी लिखा है इन द एबव फिगर, फिगर नीचे है लिखा एबव है, एक्चुअल में ऊपर जगह नहीं दिख रही थी तो मैंने नीचे बना दिया। तो यहाँ पर एक आपको फिगर गिवन है और इसमें पूछा कहा गया है कि पी क्यू आर एस एक स्क्वायर लॉन है, तो ये जो लॉन है वो एक स्क्वायर शेप है, ठीक है, जिसकी साइड पी क्यू 42 है। अगर बेटा स्क्वायर है ये 42 होगा, 42 मीटर, तो ये भी 42 मीटर होगा, तो ये भी 42 मीटर होगा और ये भी कितना होगा 42 मीटर ही होगा। चलिए अब आगे क्या बात है, सीमा वांट टू प्लांट टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स ऑन द साइड पी एस एंड क्यू आर। यहां पर सीमा ने दो सर्कुलर फ्लावर गार्डन बनाने के लिए दिमाग लगाया या फ्लावर गार्डन वो बना रही है, जिसका एक सेंटर क्या ले रही है ए और एक सेंटर ले रही है बी। चलिए अब आगे बात करते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल, द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्कुलर बेड ऑन द साइड पी एस एंड क्यू आर विथ सेंटर ए एंड बी, विथ सेंटर ए एंड बी, द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगनल, द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगनल्स। चलिए कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा यहां पर चेंज है क्वेश्चन में, मैं उसको आपको भी बता रहा हूं। तो यहां पर जो आप देख पा रहे हैं यहां थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है ये चेंज कर लेता हूं मैं, यहां पर यहां इस जगह पर विथ सेंटर ओ है, ए एंड बी नहीं है। द इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगनल्स यूज द इंफॉर्मेशन, यहां पर ए और बी नहीं है क्योंकि ए और बी का कोई यूज नहीं हो रहा है यहां पे। द इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगनल यूज द इंफॉर्मेशन गिवन अबव द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। यहां पर क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द इंटायर स्क्वायर लॉन विद द फ्लावर बेड, तो फाइंड द एरिया ऑफ द इंटायर स्क्वायर लॉन विद द फ्लावर बेड्स, मतलब फ्लावर बेड्स के साथ साथ इस पूरे का एरिया कितना होगा है। तो भाई हम क्या करेंगे, फ्लावर बेड का एरिया निकाल लेते हैं और प्लस इस स्क्वायर पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं। तो फ्लावर बेड का एरिया निकालने के लिए आप यहां देखिए, ये जो सर्कल बने हुए हैं, सर्कुलर पार्ट है, उसमें ओ को एज अ सेंटर लिया गया है और हमें पता है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, तो यहां एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये देखा जाए एक तरीके से सेगमेंट है, ये जो पार्ट है वो क्या है सेगमेंट। तो हमें क्या करना है भाई, दो सेगमेंट का एरिया निकालना है और एक स्क्वायर का एरिया उसमें क्या कर देना है प्लस। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हमें रेडियस भी चाहिए, हमें क्या चाहिए
रेडियस भी चाहिए और एंगल भी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एंगल तो मिल गया 90 डिग्री, और रही बात रेडियस की, एंगल तो मिल गया 90 डिग्री, रही बात रेडियस की, तो आपको भैया एक मैं बात बता दूं कि अगर ये एक स्क्वायर है तो ये दोनों साइड हमेशा बराबर होती हैं, यहाँ पर होता है 90 डिग्री, ये क्या होती है तो चारों साइड बराबर है, बट अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास ये दोनों साइड बराबर है हमेशा। ये जो डायगनल ऐसी कंडीशन में आइसोसेलेस ट्रायंगल है अगर जैसे, तो ये 10 है तो ये 10 है तो ये हमेशा आपको 10√2 मिलेगा, ये अगर 20 है ये 20 है तो ये 20√2 निकल के आएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएं तो आपको यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये 42 है, ये 42 है, तो पूरा ये डायगनल कितना हो जाएगा बताइए, 42√2, बिल्कुल सही, पूरा डायगनल कितना हो गया 42√2। लेकिन मुझे इसकी रेडियस चाहिए, ये जो सर्कुलर शेप बन रहा है उसकी मुझे क्या चाहिए, रेडियस। तो रेडियस बनेगी 21√2, रेडियस कितनी आ गई 21√2। अब चलिए एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2। तो रेडियस हमारे पास है 21√2, इसका यहां पर स्क्वायर लिख देंगे, पाई की वैल्यू यहां पर 22/7 रख लेते हैं क्योंकि 42 है फायदा करेगा, थीटा हमारे पास 90 डिग्री है, क्यों है 90 डिग्री क्योंकि बार बार बता रहा हूं डायगनल जो होते हैं स्क्वायर के वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, माइनस साइन 90/2 कितना हो जाएगा 45, यानी कि साइन 45 और कॉस 45 90/2, ठीक है। चलिए 21√2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 21 का स्क्वायर हो गया हमारे पास सीधे लिख दूं 441 और रूट 2 का हो गया 2, 0 से 0 कैंसिल, 9 से ये कैंसिल, कितना आ गया 4, तो 22/7 × 4 माइनस साइन 45 भी 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 ही होता है। तो इस तरीके से आपके पास यहां पर कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, 441 × 2, यहां इसके नीचे क्या आ जाएगा 22/28 माइनस 1/2। चलिए इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 441 × 2 22, यहां एलसीएम ले लीजिएगा, 22 − 14/28। चलिए अब इसे और कैंसिल कर लो, 2 से काट डालो, अब 14 से 14 × 3 = 42 2 आएगा 21, अरे कैंसिल नहीं हुआ, होना तो चाहिए था, 2 × 1 = 2 2 × 4 = 8 14 से कैंसिल होना चाहिए था, 42 तो 21, चलो 7 से कट कर लेते हैं, तो यहाँ क्या बना हमारे पास 7 × 2 = 14 और 7 × 6 = 42 2 आएगा 21 7 × 3 = 21 फाइनली आ जाएगा 63 × 22 में से 14 कम कर लो तो ये हमारे पास मिल जाएगा 6 × 2 8/2 2 × 4 = कितना बना 8। तो फाइनली अगर हम यहाँ पर देखें तो एक फ्लावर बेड का एरिया हमारे पास कितना आ रहा है 2 × 4 = 8 तो 4 × 3 = 12 और 6 × 4 = 24 24 × 1 = 25 तो यहां पर एक फ्लावर बेड का एरिया आ गया 252। चलिए नोट कर लें, इसे नोट कर लिया। अब ऐसे यहां पर दो फ्लावर बेड है, एक का हो गया दूसरा, तो इनटू क्या कर दो 2 या इतना ही और ऐड कर दो, तो 2 फ्लावर बेड्स का जो एरिया रहेगा
मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। हमारे पास जो टू फ्लावर बेड्स का एरिया आ जाएगा, बहुत इजीली आ गया, कितना आ गया हमारे पास टू फ्लावर बेड्स का एरिया, वन का आया है 254, तो टू का हो जाएगा इसका जस्ट डबल। टू टू जब 415, 508 मीटर स्क्वायर, ये दो फ्लावर बेड का एरिया आ गया। अब जो आपको दो फ्लावर बेड का एरिया मिल गया, और अगर हमें स्क्वायर का एरिया और मिल जाए, तो हम ये कह देंगे कि भैया टोटल एरिया क्या है लॉन का। तो टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन विथ फ्लावर बेड हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया मतलब 42 का स्क्वायर प्लस 508 का प्लस 508। चलिए फटाफट 42 का स्क्वायर कर ले आप, तो मैं आपको बता दूं 42 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आएगा 176, कितना आएगा 1764 और प्लस 508, ऐड कर लीजिए 8 4 12 6 1, कितना हो जाएगा आपके पास 7, और 7 और 5 मिल जाएगा आपको 12, और 1 हो जाएगा 2। तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 2272 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का एरिया तो हमने पहले ही निकाल लिया, शेडेड रीजन का एरिया कितना है 508। दूसरा आंसर तो सीधे हो जाएगा आपका, क्योंकि शेडेड रीजन का एरिया हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। अगला क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन, तो स्क्वायर लॉन का एरिया भी ये है 42 का स्क्वायर, कितना था 1764। चलिए तो ये आंसर भी हो गया हमारा। और इफ सीमा वर टू प्लांट टू मोर सर्कुलर फ्लावर बेड्स अलोंग साइड आरएस एंड टीक्यू, व्हाट वुड बी देयर रेडियाई, अगर वो इनके अकॉर्डिंग बनाना चाहे यहां पर फ्लावर बेड, तो क्या रेडियाई होगी। तो भाई रेडियाई तो सेम ही रहेगी 21√2, जो पहले के लिए रेडियाई है वही रेडियाई दूसरे के लिए भी रहेगी, तो आंसर आ जाएगा हमारा 21√2। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर आप देखें, अ ब्रूच इन स्मॉल पीसेस ऑफ ज्वेलरी व्हिच हैज बीन पिन्ड एट द बैक सो इट कैन बी फास्टेंड ऑन अ ड्रेस ब्लाउज और कॉट, डिजाइन द सम ब्रूचेस आर सोन बिलो, ऑब्जर्व देम केयरफुली, फाइंड द एरिया ऑफ द एंटायर, सॉरी ये बात यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, पिछले वाले का शायद लिख गया, केयरफुली डिजाइन ए जो बना है वो ब्रूच ए इज मेड विद द सिल्वर वायर, ये डिजाइन ए है और ये डिजाइन बी है, लिखा हुआ है ये ए है ये बी है, ब्रूच ए इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 28, इसमें जो डायमीटर लगाया गया है वो 28 सेंटीमीटर का यहां पर डायमीटर है, ठीक है सेंटीमीटर नहीं सॉरी मिलीमीटर का यहाँ पर डायमीटर है। अ वायर यूज फॉर मेकिंग फोर डायमीटर, इसमें 1 2 3 और 4, फोर डायमीटर यूज किए गए हैं, विच डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट, मतलब पूरा सर्कल जो है वो 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है, और डिजाइन बी जो है वो है ब्रूच बी इज मेड विद द टू कलर गोल्ड एंड सिल्वर, आउटर पार्ट इज मेड विद द गोल्ड, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सिल्वर पार्ट इज 44 mm, यहाँ पर दो पार्ट है, अंदर वाला जो पार्ट है उसका सर्कमफेरेंस उन्होंने दे रखा है 44 mm, यहाँ सर्कमफेरेंस गिवन है, क्या गिवन है हमें सर्कमफेरेंस, चलिए ठीक है, एंड द गोल्ड पार्ट इज 3 mm, इसके बाद का जो पार्ट है
ये जो पार्ट है आपके पास, इसके बाद वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये पार्ट, ये यहाँ पर 3 mm का दे रखा है, ठीक है। यानी अगर हमें अंदर की रेडियस पता चल जाए तो बाहर की रेडियस हम निकाल लेंगे, और अंदर की रेडियस निकालने के लिए उसने पर्याप्त हमें संसाधन यहाँ पर मौजूद करा दिए। कैसे संसाधन? यानी कि उसने हमें क्या दे रखा है यहाँ पर कि इसका जो सर्कमफेरेंस है वो कितना है, 44 mm का, ठीक है। उसके बाद कुछ आंसर दिए गए हैं बेस्ड ऑन द अबव, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए ठीक है, इस बात को अब हम समझते हैं। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं, यहां तो राजा भैया सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि जो पहला वाला जो जो ए डिजाइन है उसके लिए बोला गया कि ये सर्कुलर शेप है, जिसमें से ये जो इसका डायमीटर लिया गया है वो यहां पर टोटल कितना दिया गया है, ब्रूच ए के लिए ये दिया गया है 28 mm का, 28 mm का। और ये पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर फिगर ए। तो ये जो बना रहे हैं उसके लिए, ये जो ब्रूच बना रहे हैं उसके लिए टोटल ओवरऑल कितने लेंथ का हमें वायर रिक्वायर होगा। तो सबसे पहले तो भैया चार तो इसने ऐसे डायमीटर बना दिए, तो चार डायमीटर का कितना हो गया भाई, चार डायमीटर पे उसने सिल्वर वायर डाले हैं, तो टोटल लेंथ अगर कही जाए, टोटल लेंथ कितनी होगी, 4 तो ये डायमीटर होंगे, प्लस ये जो पूरा ये बाहर वायर भी एक उन्होंने क्या लगाया है, वायर लगाया है, तो बाहर का वायर कितना हो जाएगा, ये सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, चलिए 4 डायमीटर का मतलब 4 इंटू डायमीटर 28 का है, तो 4 इंटू 28 हो गया, और सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, तो 2 इंटू 22 अपॉन 7। रेडियस कितनी है, अगर टोटल 28 है तो रेडियस ऑब्वियसली 14 होगी, 7 × 2 = 14, तो टोटल अब लेंथ निकाल लेंगे, 4 × 8 = 32, 4 × 2 = 8, 9, 10, 11, प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 8 × 2 कितना हुआ 10, 8 × 1 = 9, 9 × 1 कितना हुआ 10, 1 × 1 कितना हो गया 2, तो 28 अगर यहां पर है तो 28 × 4 हो गया हमारे पास 112, और 2πr से ये हो गया हमारे पास 88। इस तरीके से टोटल लेंथ ऑफ द वायर हमारे पास कितनी आ गई, 200। अब अगर बात देखी जाए तो बात बोली जा रही है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। अब यहां पर देखिए भाई, ये पूरा एक सर्कल था, उसके 8 टुकड़े हो गए, तो एक सर्कल का 1/8 पार्ट का एरिया हमें निकालना है, सेक्टर पूछ रहा है, सेगमेंट नहीं। तो सीधा सीधा है एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा 8 टुकड़े हुए हैं तो 1/8, किसका 1/8 हुआ है, सर्कल का, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो बस वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ 1/8, पाई की जगह 22/7, रेडियस आपके पास मालूम ही है, रेडियस कितनी है 14, तो 14 × 14 काटाकुटी कर लो, 7 × 2 = 14, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 2 से इसको निपटा लो कितना आया 11, 11 × 7 = 77 मिलीमीटर स्क्वायर, 200 mm, ये आंसर क्या आएगा 200 mm। तो इस तरीके से आपको दोनों पार्ट फर्स्ट और सेकंड के लिए क्या क्या मिल गया, सेक्टर भी मिल गया और टोटल लेंथ भी मिल गई। तीसरा क्वेश्चन क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द आउटर पार्ट इज, ये बी फिगर बी के लिए ये पूछ रहे हैं कि बाहर का जो पार्ट है उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा। तो चलिए ये पूरा आप नोट कर ले, फिर चलते हैं अगले पार्ट पर। तो यहां पर अगर आउटर फिगर बी के लिए बात की जाए तो सबसे पहले फिगर बी में आपको दे क्या रखा है, फिगर बी के लिए आपको इसका सर्कमफ्रेंस दे रखा है 44, कितना सर्कमफ्रेंस दे रखा है 44। तो चलिए
पहले तो ये बात समझिए कि फिगर बी जो है वो है कैसा। एक तो इसमें इस तरीके से ऐसा बना है और एक इसके बाहर से बना। ये जो अंदर वाला पार्ट है इसका सर्कमफ्रेंस आपको दे रखा है 44 mm, तो और ये दे रखा है कि इसकी बाहर का जो ये बाहर से ये सिल्वर और गोल्डन के बीच जो डिस्टेंस है वो 3 mm की है। तो सबसे पहले राजा भैया हम क्या करेंगे, जो सर्कमफ्रेंस दे रखा है उसका उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जिससे क्या होगा सर्कमफ्रेंस पता होने से हमें यहां से लेके, समझिएगा, यहां से लेके और यहां तक की डिस्टेंस पता चल जाएगी। प्लस 3 ऐड कर देंगे तो बाहर की डिस्टेंस, बाहर का रेडियस आ जाएगा, बाहर बड़े वाले सर्कल का रेडियस आ जाएगा, और 2πr निकाल के उसका भी सर्कमफ्रेंस। चलिए फिर यहां पर छोटे वाले का जो अंदर सर्कल बना है उसका आपको सर्कमफ्रेंस दे रखा है 2πr, कितना, 44। तो 2π 22/7 × r = 44। कुछ बहुत कटेगा क्या, चलिए रेडियस, अच्छा 22 टू जा तो वैसे 44 होता है, 44 से 42, 44 क्या हो गया कैंसिल, r by 7 1 आ गया, तो रेडियस हमें मिल गई 7 बन जा 7। अब हमारे पास रेडियस अवेलेबल है, कौन सी रेडियस, ये वाली, ये मिल गई हमें 7 mm की। तो आउटर सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 ये प्लस 3 ये 7 प्लस 3 कितना बना 10, आउटर सर्कल की रेडियस आपको मिल गई 10। अब हमें आउटर सर्कल का ही सर्कमफ्रेंस निकालना है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द आउटर पार्ट गोल्डन पार्ट का। तो क्या होगा गोल्डन पार्ट का सर्कमफ्रेंस, 2πr, 2 कैपिटल आर लिख लो भाई, बदल लो थोड़ा सा, पाई की जगह 22/7 और रेडियस कितनी है 10। यहां ये 7 से कटेगा नहीं, चलिए इसकी पॉइंट में वैल्यू रख लेते हैं, 3.143 इंटू क्या आ गया 10, मल्टीप्लाई करा लो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 1 2 3 इंटू 10। फाइनली देखा जाए तो 62.86 mm ये हो जाएगा इसके आउटर पार्ट या गोल्डन पार्ट का एरिया, ए गोल्डन पार्ट का सर्कमफ्रेंस। नेक्स्ट पूछा गया है, अ बॉय इज प्लेइंग विद द ब्रुच बी, ही मेक्स रिवॉल्यूशन विद इट अलोंग इट्स एज, कौन सा ब्रुच ले रहा है ये, बी के साथ, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन मस्ट बी टेक टू कवर 80 πm। अब इस कहानी को समझिए, जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं कि कितने रिवॉल्यूशन हो जाएंगे, कितने राउंड कोई सर्कुलर रिंग लगाएगी, जबकि अब ये क्या है कि इन्होंने कहा कि ये जो है यहां से ब्रुच घुमाया जा रहा है और वो यहां तक जा रहा है, कितनी दूर जा रहा है, 80 πm तक जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि भैया कितने उसको राउंड लगाने पड़ेंगे, कितने चक्कर वो काटेगा। तो एक बात आप याद रखिए कि जब भी एक ऐसा कोई पार्ट मूव करता है, यानी कि अगर कोई एक रिंग है या कोई एक व्हील है, जब ये घूमता है तो ये एक राउंड में, इन वन राउंड ये 2πr डिस्टेंस कवर करता है। कैसे भाई, जैसे ये एक राउंड घूमेगा तो इसको अगर कट कर दिया जाए तो ये अपने सर्कमफ्रेंस के बराबर स्पेस कवर कर लेता है, और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, ठीक है। अगर हमें ये पता है कि इसकी रेडियस कितनी है, तो रेडियस इसकी कितनी निकाली थी हमने, 10, और बी वाला ले रहे ना, हाँ, बाहर तक पूरा, उसमें तो दो पार्ट थे ना, ये वाला, ये बाहर तक कितना है 10 है, तो एक राउंड में ये कितनी दूरी कवर करेगा, तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड जितना इसका सर्कमफ्रेंस होगा उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr, रेडियस कितना है यहां पर 10, तो 20 पाई डिस्टेंस ये एक राउंड में कवर करता है।
तो 80 पाई डिस्टेंस कवर करने में उसे कितने राउंड लगेंगे? भाई एक राउंड में 20 पाई, तो 80 पाई कवर करने में कितना समय लगेगा? तो नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए, हमेशा ये बात भी याद रखना, नंबर ऑफ थिंग्स निकालने के लिए हमेशा ग्रेटर में स्मॉलर का डिवाइड कर देना, बट ये ध्यान रहे कि क्वांटिटी सेम होनी, मतलब वो होना एक ही फॉर्मेट में चाहिए। जैसे कि ये सेंटीमीटर में है, मीटर में है, तो ये भी बात मीटर में होनी चाहिए। ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी हमारी बात एमएम में है और ये भी बात किस में है? एमएम में। 80 पाई डिवाइडेड बाय 20 पाई, पाई से पाई खलास, रिजल्ट क्या आ जाएगा भाई? मात्र से ऐसा करने के लिए 4 राउंड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये हमारा केस स्टडी खत्म हुआ। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। यहां से हमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, तो चलते हैं सबसे पहले एमसीक्यू में। अ वायर कैन बी बेंड इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 56 सेंटीमीटर इफ इट इज बेंड इन द फॉर्म अ स्क्वायर देन इट्स एरिया विल बी। अभी एक वायर कैसा है, सर्कल का है, सर्कुलर फॉर्म में है, जिसकी रेडियस 56 है। इसकी रेडियस कितनी दी गई है? 56। अब इसी को घुमा मुड़ा मुड़ू के क्या बना दिया इन्होंने, एक स्क्वायर शेप बना दिया। तो है तो यही लेंथ, यानी जो इसका सर्कमफ्रेंस था उसी से क्या बन गया है, एक स्क्वायर बन गया है। तो इसका सर्कमफ्रेंस होगा कितना? इसके ही सर्कमफ्रेंस से जो स्क्वायर है वो बना है, यानी इसका सर्कमफ्रेंस और स्क्वायर का पेरीमीटर दोनों एक ही है। तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा? 22/7। रेडियस कितनी है इसके पास? 56। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 × साइड। 4 से इसको काट डालो, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 7 से इसे काट डालो, कितना आ गया? 2, 22 × 2 = 44, और 44 × 2 डबल हो जाएगा। तो कुल मिला के साइड कितनी आ गई? 88 सेंटीमीटर साइड आ गई, साइड ऑफ स्क्वायर, यानी जो स्क्वायर इसी को बेंड करके बनाया गया है उसकी ईच साइड 88 सेंटीमीटर की है। अब अगर हमें स्क्वायर की साइड पता है तो एरिया निकालना तो बच्चों का खेल है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया होता है साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर बोले तो 88 का स्क्वायर, यानी 88 × 88। फटाफट इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब यहां से अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन करने की जरूरत भी नहीं है। 8 × 8 = 64, लास्ट में 4 किस में आ रहा है? इसी में आ रहा है, तो सीधे ऑप्शन हमारा ये टिक हो जाएगा, यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पर दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। अ सर्कुलर पार्क हैज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ अराउंड इट, द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज 132। तो कह रहे हैं इसकी विड्थ बताइए। अभी यहां पर क्या है कि दो सर्कुलर पाथ है, मान लीजिए एक पाथ हमारे पास, दो सर्कल हैं और उन पर क्या बना हुआ है? सॉरी, इस तरीके से यहां पर ये पाथ है। उन्होंने कहा जो पाथ है, सर्कुलर पाथ है, उसमें इनर सर्कमफ्रेंस और आउटर सर्कमफ्रेंस यूनिफॉर्म विड्थ अराउंड इट, द डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज 132। तो कह रहे हैं बताइए इसकी विड्थ क्या होगी। अरे ये भी बहुत इजी है भाई, देखिए मान लेते हैं कि बाहर वाले की जो रेडियस है वो R1 है, अंदर वाले की रेडियस जो है वो R2 है, तो सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस क्या हुआ? 2 πr1 − 2 πr2। ये कितना दिया गया है यहां पर? ऑलरेडी कितना दे रखा है? 132। यहां से आप 2 और पाई को कॉमन ले लो, तो 2 पाई हो गया यहां से कॉमन, क्या बचा? R1 − R2। अच्छा ये जो यहाँ पर पूछी गई है कि यहाँ पर इसकी विड्थ क्या होगी, ये विड्थ क्या होगी, तो विड्थ होगी कितनी?
R1 में से अगर R1 माइनस R2 इसकी विड्थ होगी, यानी अगर हमें ये वैल्यू पता चल जाए तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर आ जाएगा। तो R1 माइनस R2 हमारे पास कितना मिल जाएगा, जरा देखिए 132 है और यहाँ 2 × 22/7। अब R1 माइनस R2 अगर देखा जाए तो होगा 132/7/2×22। तो ये साइड 22/6 जा 132 होता है और 2 से इसको काट डालना 3 आ जाएगा, 7/3 जा कितना हो गया 21। तो यहाँ पर जो विड्थ आ रही है वो कितनी आ रही है, 21 मीटर की यहाँ पर विड्थ आ रही है। नोट कर लीजिएगा विड्थ कितनी हो जाएगी 21 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो अवेलेबल है वो है द रेडियस